गाइस हमने बनाया है ये कोल पावर प्लांट अपने घर के लिए बिजली यूज करने के लिए, जिसमें कोयला से बिजली बनती है। और जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, जो कि हमारे कोल पावर प्लांट से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से वायर निकाला हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं कि बल्ब जल रही है। अभी देखो, जब ऑफ करूँगा देखो, फिर ऑन कर देते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो फिलहाल हम इसे ऑफ रहने देंगे। आई नो कि इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये बिल्कुल सोलर पैनल की तरह काम करता है, बस सोलर पैनल में फर्क इतना है कि सोलर पैनल को सूरज से हीट मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसे कोयला से हीट मिल रही है, तब जाकर के बिजली बनती है। तो इस पावर प्लांट को हम और भी ज्यादा एडवांस बनाकर पूरे घर में बिजली यूज करेंगे। अभी तो फायर भी अनकंट्रोल है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि क्या ये फेक है, मतलब मैं अभी जो कोयला से बिजली बना रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे पता करने के लिए मुझे ट्राई करना होगा समर भाई को, जिसे देख करके मैंने ये कोल पावर प्लांट बनाया। समर भाई ने क्या किया था कि कोयला को पीस करके उसका पाउडर बनाया, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट भी समझ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड के लिए कोयला का एक टुकड़ा लिया और एक एल्यूमिनियम फॉइल का, देखते हैं कि ऐसे हमारे पास बिजली बनती है या नहीं। तो बिल्कुल समर भाई की तरह हमने अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा कोयला का इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें मैंने पानी भी ऐड किया है ताकि ये जो है अच्छे से मिक्स हो सके। और इसमें मैंने साल्ट ऐड नहीं किया है, जबकि समर भाई किए थे। और यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स के लिए मैंने यूज किया है खुद कोयला, जैसा कि समर भाई किए थे। और ये है एल्यूमिनियम। तो चलिए आप डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को ग्लास के अंदर, और उससे पहले इसे थोड़ा सा हिला देंगे, हिला हिला कर डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है गाढ़ा है, बस इतना इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी है। अब हम डालेंगे इलेक्ट्रोड्स को, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो आपस में टकरना नहीं चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई फायदा ही नहीं है। तो चलिए अब ऑन करते हैं अपने वोल्ट मीटर को, और देखते हैं कि ये जो है कितना वोल्टेज दे रहा है। ओह, और आप देख सकते हैं, रुको एक मिनट, मतलब ये जो है सच में वोल्टेज दे रहा है, करंट दे रहा है, और ये जो है अप्रोक्स एवरेजली 1 वोल्टेज दे रहा है लगभग। तो इतने कम वोल्टेज में हम आपको एक बल्ब भी जलाकर नहीं दिखा सकते। अब आप बोलोगे कि यह सच में है या नहीं है, या फिर वोल्ट मीटर में खराबी है, इसीलिए मैं आपको एक बल्ब को जला करके दिखाऊंगा, और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी और भी इलेक्ट्रोलाइट्स की। उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन है, आई थिंक ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, इसीलिए हम यहाँ पर डालेंगे फिर से कोल, और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम है, इसीलिए हम इसमें डालेंगे फिर से कोल। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट के ग्लास में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो है कोल का इलेक्ट्रोड है, इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे ये सिंगल वाला एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम का है, इसलिए यहाँ पर डालेंगे सिंगल वाला कोल का इलेक्ट्रोड। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सीरीज में जोड़ दिया है, और ये दे रहा है अप्रोक्स 2 वोल्टेज। देखते हैं कि यह इस बल्ब को जला पाता है या नहीं। गाइस ये जो बल्ब है ये नहीं जल रही है, आई थिंक ये जितना वोल्टेज दे रहा है ये उससे ज्यादा वोल्टेज का है, और समर भाई बहुत ही कम वोल्टेज के बल्ब के साथ ट्राई किया था, इसलिए वो जल गया। लेकिन गाइस ये बात तो क्लियर हो गया कि कोयला से सच में बिजली बनती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने कोल प्लांट के पास। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोल प्लांट है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए कोयला से बिजली बनाने का तरीका ये है कि कोयला को जला करके पानी को गर्म करके उसका स्टीम बनाकर टरबाइन को घुमाना, मतलब यहाँ पर कोयला जलेगी सिर्फ और सिर्फ टरबाइन को घुमाने के लिए। और आपको स्टीम की पावर तो पता ही है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना तेजी से निकलता है। स्टीम मतलब भाप बनकर वो तेजी से टरबाइन की ब्लेड्स पर लगेगा और टरबाइन जो है घूमने लगेगा, तब पैदा होगी बिजली। और अब क्या होगा जब मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीका से हम लोग अभी बिजली बना रहे थे ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। हाँ, थोड़ी बहुत बिजली बन सकती है सोलर पैनल जैसा हीट करके। तो कोयला से बिजली बनाने के लिए हमें इस तरह के नहीं बल्कि इस तरह के चूल्हे की जरूरत है, और ये है हमारा टरबाइन जिससे कि बिजली पैदा होगी। तो हम इसे यहाँ पर लगा देंगे, और स्टीम की पावर से हिलने से रोकने के लिए हम नीचे में इस ईंट को बांध देंगे, ताकि ये स्टीम की पावर से हिले डुले ना। अब तैयार है हमारा असली वाला कोल प्लांट। अब हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जो कि स्टीम बनाकर हाई प्रेशर के साथ फेंके, और ये ऑलमोस्ट सबके घर में होता है। मेरा बर्तन नहीं मिल रहा। गेस करो क्या है। करो गेस। कर लिए ना गेस। तो गैस कुकर को चूल्हा में चढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर डालना होगा ये सब जलावन को, और इसके अंदर है कोयला। तो सबसे पहले हम जलावन को डाल देंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे कोयला सबको। और अब देख सकते हैं कि ये सब है कोयला। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर आग भी लगा दिया है। तो अब डालेंगे इसके अंदर कुकर को,
उसके बाद डालेंगे कुकर के अंदर पानी और यही पानी भाप बन करके टर्बाइन को लेगा। तो गाइस आई थिंक इतना पानी काफ़ी है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वेपर बनने में यानी कि स्टीम बनने में थोड़ा देर लगेगा। अब हम इसके ढक्कन को लगा देंगे। तो स्टीम को हाई प्रेशर में फेंकने के लिए अभी हमें इसके अंदर जुगाड़ लगाना पड़ेगा और जुगाड़ ये होगा कि हम इसके इस सीटी को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे इस गैस पाइप को, जिससे कि जो है स्टीम इस गैस पाइप द्वारा ऐसे करके टर्बाइन में लगेगा। इस गैस पाइप को यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद इसे एक स्टैंड की हेल्प से टर्बाइन के जस्ट आगे रख देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने गैस वॉल्व को भी लगाया है, जिससे कि हम स्टीम को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए, ओ तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो टर्बाइन है वो रोटेट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस जब रोटेट करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ओ गाइस अभी जो है आई थिंक इसके अंदर ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टीम स्टोर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हाई प्रेशर में स्टीम स्टोर होने का। A few moments later. तो गाइस चलिए इसे दोबारा से चालू करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टर्बाइन है वो मूव कर रहा है और बहुत ही पावरफुली मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। और गाइस अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि एक दो बार ये जो है वॉल्व हाई प्रेशर स्टीम के कारण ऊपर से निकल भी गया था। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टर्बाइन है वो मूव कर रहा है। फिर से हम यहाँ सपोर्ट के लिए इसको लगा देंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं इस बल्ब को और देखते हैं कि ये जो हमारा छोटा सा कोल पावर प्लांट इस बल्ब को जला पाता है या नहीं। तो यहाँ पर करते हैं स्टीम इंजन को स्टार्ट और आप देख सकते हैं हमारा जो टर्बाइन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस अब यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं बल्ब को। और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो जल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा दे रही है। ओ गाइस तो जैसा कि आपने देखा कि यह टर्बाइन इजीली बल्ब को जला लेता है, अब देखते हैं कि यह टर्बाइन अपने साइज के डीसी मोटर को चला पाता है या नहीं। तो गाइस और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डीसी मोटर है हिल भी नहीं पा रहा है, और मुझे भी यही उम्मीद था, क्योंकि एक डीसी मोटर बिजली बनाकर अपने जितने बड़े डीसी मोटर को शायद नहीं चला सकता, जो कि यहाँ पर अभी साफ साफ दिख रहा है। और गाइस बहुत लोग जो है शक करते हैं कि भाई ये फेक है, इसलिए मैं आपको अभी क्लियरली पूरा साफ साफ दिखाऊंगा कि ये जो है फेक नहीं है। देखो यहाँ पर जो है वायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है, और मैं अभी इस टर्बाइन को हाथ से घुमा रहा हूँ। और गैस अभी मेरा जो फ्यूल है कोयला है वो ख़त्म हो गया, और अभी मैं जलाऊन भी कैसे नहीं ला सकता, आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है। और यहाँ देखो ये बल्ब है, इसमें मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है, और देखो जब टर्बाइन को मैं जोर से घुमाता हूँ, गैस देखा आपने, रुको लाइट को ऑफ कर दो, देखो शायद आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यस यस यस, जितना जोर से घुमाता हूँ उतना जोर से ये जो बल्ब है ये जलती है। गैस डीसी मोटर का एक सिद्धांत होता है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर कोई भी कॉइल रोटेट करेगा तो उससे बिजली पैदा होगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस से ये भी बिजली पैदा करती है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और मुझे पता है कि आपको ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। लेकिन गाइस मैं भोज खाने गया था इसलिए वीडियो में लेट हो गया, इसलिए उसके लिए सॉरी। सो गाइस फिर मिलते हैं किसी और तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।